अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। जी हाँ, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और शाम का वक्त हो चुका है। देख सकते हैं सूरज डूबने वाला ही है। दिखाई तो नहीं दे रहा, शायद ये यहाँ से दिखाई देगा आपको, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सूरज डूबने वाला है। तकरीबन इस वक्त 6 बजने वाले हैं और 6:14 पर अफ्तारी का वक्त है। तो अफ्तारी हमारे गाँव में पहली मरतबा हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं कि किस तरह यहाँ अफ्तारी होती है। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अफ्तारी काट रहे हैं, मदरसे पे ही इंतज़ाम रखा गया है। तो आइए उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे रोज़ा हैं और कितने नहीं हैं। जी आइए मुलाकात करवा सकते हैं। ये हमारे गांव की मस्जिद है और ये मस्जिद और ये सूरज देख सकते हैं डूबने वाला है। बिल्कुल कुछ वक्त और रह गए हैं सूरज को डूबने में, तो बिल्कुल अफ्तारी का वक्त करीब आ चुका है। ये हमारे गाँव का मंज़र है और मदरसे के छत पे ही इंतज़ाम रखा गया है। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर अफ्तारी काट रहे हैं। जी ये देख सकते हैं, ये देहाती अफ्तारी है और शहरों की तरह बिल्कुल इंतज़ाम किया है हमारे बच्चों ने। आपका क्या नाम है? साद। रोज़ा हैं? रोज़ा हैं? ये लड़का नहीं है, आप बताइए। तो माशाल्लाह, ये देखिए ये रोज़ेदार हैं और अभी उम्र देख सकते हैं अभी, वह जो छोटा छोटा बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना हमको, वो लोग भी रोज़ेदार हैं। और माशाल्लाह ये उमंग जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भरा हुआ है इसमें। एक लड़का यहाँ देखिए ये बैठा हुआ है। आप रोजे से हैं? हाँ। एहसास हुआ? हाँ। प्यास लगी है? हाँ। तो अब यही बंद होगा रोजा कि अगला रमजान अगला रोजा भी रखेंगे? अगला रोजा भी रखेंगे। कितने रोजे रखेंगे? जितना रख पाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको हौसले को बुलंद फरमाए। एक लड़का यहाँ है देखिए, इसकी ज्यादा साल उम्र नहीं है। क्या नाम है लाला? फरहान खान। हाँ, तो रोजा से हो? हाँ। माशाल्लाह, एक लड़का है देखिए यहाँ पे, इसका नाम क्या है? क्या नाम? राहिल खान। राहिल, रोजे से हो आप? हाँ। माशाल्लाह, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये रमजान मुबारक से मोहब्बत करते हैं और रोजे से हैं। एक लड़का यहाँ पे है, ये देखिए अभी ज्यादा उम्र नहीं है। खड़े हो जाओ लाला, दिखाओ कितने बड़े, देखो कितने छोटा लड़का है, आप खुद भी देख सकते हैं। रोजे से हो? हाँ। माशाल्लाह, दिन भर आपने मछली मारा है ना? नहीं। उसके बावजूद भी, और वहाँ दो बच्चे खड़े हैं, आप लोग भी रोजे से हो? है माशाल्लाह, सच बताना रोजे से हो कि नहीं? माशाल्लाह, देख सकते हैं ये सारे बच्चे जो है रोजे से हैं। अल्लाह ताला ऐसी नस्लों को सलामत रखे। और ये इंतज़ाम जो है एक ख़ास दुआया के लिए किया गया है ये इंतज़ाम। आप लोग अफ्तारी देखें और इस तरह से अफ्तारी अभी कटाई हो रही है, इंशाल्लाह अभी इसको सेट किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक अफ्तारी लग चुकी है बिल्कुल, एंड शाम का वक्त हो चला है। अब हम लोग चलते हैं, बैठते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं। सब लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। अफ्तारी का इंतज़ाम हो चुका, अजान हो रहे होने का इंतज़ार है, हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल अजान हो रही है। अल्लाह Allah, 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 Allah,
ये चांदी के लगभग बे बनाएगा तैयारी हो चुकी है। अब चल रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आप एक मंजर देख सकते हैं जो ज़ूम कर रहा हूँ। ये देखिए चांद आज बे बन गया है, देख सकते हैं। खैर अब चलते हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद तो हमारा यहीं गांव बगल में ही है, हम लोग मदरसे की छत पर थे। अब चल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, फिर नमाज के बाद आप सबसे मुलाकात करते हैं। चलिए नमाज के लिए चलते हैं आप लोग, चलिए। आप रोज़ा थे? नहीं थे ना, लेकिन कल क्या करोगे? रोज़ा रहना है। इरादा क्या है, कैसे रहोगे? घर वाले जगाएंगे नहीं तो क्या करोगे? मैं कान की तरह जान जाएगी तो मैं उठ जाऊंगा। उर्दू ना बोलो, ऐसे बोलो अपने हिसाब से, भोजपुरी में ही बोलो। नहीं बोल पा रहे हो तो कैसे उठोगे बताओ? अच्छा, अभी तो तुम कह रहे थे मदरसे पे आएंगे, बढ़िया बिस्तर लेके यहीं से जाएंगे, नहीं तो घर वाले जगाते नहीं है। जगाते नहीं है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह, ये जज्बा देखिए इस बच्चे को, इसके घर वालों ने नहीं जगाया लेकिन रोजा रखने के लिए बच्चा तड़प रहा था और इसने कहा आज हम मदरसे पे बढ़िया बिस्तर लेके जाएंगे, वहीं से सहरी जो है करेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे और 300 रोज़ा, जो बच्चा है 29 रोज़ा, उसको भी रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया है, लेकिन ये हमारे इमाम साहब की इफ्तारी है और जो आपने अभी देखा है वो पार्टी वाली इफ्तारी थी। इस तरह गांव में हमारे इफ्तारी नहीं होती है, इफ्तारी तो इसी तरह होती है, ऐसे लोग सीन में या बर्तन में ले ले आके रखते हैं, लेकिन ये आज पार्टी वाली इफ्तारी थी। आप इन बच्चों के लिए दुआ करें, जिन बच्चों को आपने पहले देखा था उनके लिए दुआ करें कि वो रोज़ेदार हों, नमाजी हों, परहेजगार हों। उनके हक में दुआ करें कि हर साल वो रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखें, ताकि जिस तरीके से आज पार्टी की इफ्तारी हम लोगों ने की है उसी तरीके से हर साल पूरा गांव मिलके हर दिन इस तरह इफ्तारी करे कि जैसे रोज़ाना पार्टी हो रही है। आप हज़रात दुआ कीजिए और यही हकीकत है, करीब लाइए, यही हकीकत इफ्तारी है। यही आप हमारे इमाम साहब से पूछ सकते हैं, जिस तरीके से आज यहाँ पर इनको तो निज़ामी साहब, इनसे थोड़ा हम गुफ्तगू करते हैं कि इससे पहले ये तो हज़रत पार्टी जो है कभी कभी होती रहती है, और वैसे उस तरह अदर दिन किस तरह पार्टी होती है? अदर दिन ऐसे ही ऐसे लोग ला करके जी अपने इमाम को पेश करते हैं जी। तो ये कई जगह से आता है? नहीं, कई जगहों से आता है, लेकिन जी माशाल्लाह, जिस भाई की जानिब से ये अफ्तारी दावत थी, अल्लाह ताला उनके जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए, आमीन। और उनके घर में कोई बीमार है, उनकी वालिदा, तो अल्लाह ताला उनको शफायाब फरमाए, उन्हीं की जानिब से ये सारी अफ्तारी थी। फिर मिलते हैं, ये छोटा सा वीडियो जो है ब्लॉग नहीं था बल्कि रमज़ान मुबारक पहले रोज़े की अफ्तारी थी और इब्तिदा है ये, और इंतहा इंशाल्लाह अज़ीज़ सफर जब होगा, यहाँ का नहीं होगा इंतहा तो कहीं और का होगा, इंशाल्लाह सफर होगा तो फिर आपको मुकम्मल ज़ियारत करवाई जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि जिस तरीके से मेहनत हमारे चैनल पर हो रही है वो ग्रो कर सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।